आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी लॉज ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं सेट से हमारा क्या मतलब है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, डिनर सेट होता है। डिनर सेट में हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उसको मिलके डिनर सेट बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लेट्स है, फिर स्पून्स हैं, ग्लासेस होते हैं, ट्रेज होती हैं और डिशेस होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये क्या हैं, ये एक सेट बनाते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा डिनर सेट है। और ये एक वेल डिफाइंड सेट है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये ऐसी जो हमारे पास वेल डिफाइंड हो और उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, उसे हम सेट कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम सेट के साथ दो आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक हम एम्प्टी सेट यूज़ कर रहे हैं और एक यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट हम ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि ये इसको हम इस तरीके से लिखते हैं या फिर हम इसको इस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू लेते हैं और इसमें हमारे पास क्या है, ये कि एक यूनिवर्स है। इसमें दुनिया के जितने भी हम सेट्स बना सकते हैं वो तमाम के तमाम इसमें मौजूद हैं। जैसे कुल कायनात होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका यही मतलब है। तो आइडेंटिटी लॉज ऑफ सेट्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक सेट है, लेट्स सपोज मैं उसे ए कहती हूँ, तो अगर मैं उसका यूनियन लेती हूँ फाई से, यानी कि एम्प्टी सेट से, तो मेरे पास ए ही आ जाएगा, वही वापस आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक ए सेट है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है मेरे पास। अगर मैं इसका यूनियन लेती हूँ फाई से, ठीक है, ये फाई मेरे पास क्या है, ये मेरे पास, इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास इस तरीके से, तो मैं यूनियन लूंगी तो मेरे पास क्या, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मेरे पास यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्योंकि यूनियन में हम दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं मिला कर लिखते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 1, 2, 3 आ गया, जो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा सेट ए ही वापस आ गया। इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेती हूँ ए से, तो मेरे पास क्या आएगा, ए में मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखूँ 1, 2, 3, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं, 1, 2, 3 आ गया। तो ये क्या है, ये मेरे पास मेरा ए सेट ही था। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लूं और वही आ जाए, वही आ जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन यू, के ए का हमने इंटरसेक्शन लिया है यूनिवर्सल सेट से, तो हमारे पास ए ही वापस आ गया है। तो ये क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉ है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक था आइडेंटिटी लॉज ऑफ सेट्स, और हमने देखा कि हम कौन सी दो आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं और आइडेंटिटी लॉ से हमारा क्या मतलब है।